सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल A to Z India में। जब भी हम लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है तो हमारे उसके साथ साथ सिम भी गुम हो जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि सिम हमारी बंद हो जाती है, या हम लोग चाहते हैं कि जो भी नंबर है हमारी ईमेल आईडी में उसको अपडेट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने ईमेल आईडी में जो आप नंबर दिए हैं उसको आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रखिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटी सी घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग को अपना मोबाइल नंबर जब अपडेट करना हो तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के जहाँ पे गूगल मैनेजर है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपकी ईमेल आईडी होगी आप उस गूगल मैनेजर आपको जीमेल में मिल जाएगा और सेटिंग में मिल जाएगा। हमारे मोबाइल में सेटिंग में मिलता है, गूगल मैनेजर यहाँ पे है नहीं। तो आप वो यहाँ पे सेटिंग में आ जाएंगे तो आपको एक गूगल नाम से यहाँ पे एक साइट दिख रहा है गूगल, आप गूगल पे क्लिक करेंगे। गूगल पे क्लिक करने के बाद वो आपको डायरेक्टली एक दूसरे पेज पे लेके आएगा, डायरेक्टली वहीं से क्लिक करते ही आपको दूसरे पे लेके चला आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे दिख रहा है, मैनेज योर गूगल अकाउंट। जहाँ भी हो, आपको ईमेल पे भी हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपकी सेटिंग में हो, हमारे मोबाइल में सेटिंग में ही आती है इसलिए मैं यहाँ पे खोला हूँ। तो आपको जहाँ भी ईमेल पे भी बहुत लोगों को मिल जाता है वहीं पे साइड में ईमेल पास, तो अगर वहाँ पे मिले तो आप वहाँ पे करते हैं। हम मैनेज योर गूगल अकाउंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको होम दे रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप पूरी ये चीज़ें देख सकते हैं जो भी आपका है। आपको यहाँ पे फ़ोन दिख रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, ये मोबाइल नंबर है जो भी है, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एक लाइनिंग दिख रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको चाहते हैं इसको ईमेल को मैं डिलीट कर दूँ तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मोबाइल रहे ही ना हमारे ईमेल में तो आप वो भी कर सकते हैं। मोबाइल रहने में क्या दिक्कत है, जब भी मोबाइल रहता है तो ईमेल जो होता है कोई भी आप फ़ायदा उसे ये है कि कोई भी OTP आएगी तो आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे एक पेन का निशान जो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप वही हैं इंसान जो जिसकी मोबाइल है, तो आपके पूछ रहा है तो आप क्या आप लॉक स्क्रीन इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो आप लॉक स्क्रीन पे कंटिन्यू कर दीजिए या फिर तो हमारा जो भी कि मैं खुद मोबाइल का यूज़र हूँ तो इसलिए मुझे कैच कर लिया ये। उसके बाद फिर हम लोग एडिट पर चले जाएँगे। एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर दे रहा है अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर की जो भी दोबारा इंटर करना हो आप उसे इंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, बेसिकली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पूछ रहा है कि गेट कोड, आप गेट कोड पे क्लिक कर देंगे एंड जो भी आपके उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वेरिफिकेशन कोड आपको इंटर करना पड़ेगा। अब हमारे मोबाइल में वेरिफिकेशन कोड आ गया, आप इंटर कर लीजिए। फिर उसके बाद वेरीफाई यहाँ पे दिख रहा है, वेरीफाई पे आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पे हमारा नंबर अपडेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं नंबर। आप फिर अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं कि नंबर अपडेट हुआ कि नहीं तो हम लोग जैसे जैसे गए हैं आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आए थे मैनेज योर गूगल अकाउंट, मैनेज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप नीचे देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट हो गया, जो न्यू मेरा मोबाइल नंबर है। इसी तरह से आप चाहें तो मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए।